हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर दो, और यहाँ पर आक्रमण की कोशिश। बीमल क्या करते हैं, देखते हैं खिलाड़ी को चकमा, फिर से चकमा दिया है, बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर माइनस किया है। 10 दफा की जैसे पोजीशन के लिए मौका, फिर से मौका, खतरा टाली नहीं, लेकिन वहां पर गोलकीपर का शानदार बचाव और कॉर्नर की कैसा रहा रेफरी द्वारा। मैच के शुरुआती चरणों में ही सीफा एफसी 9-11 पर हावी होती हुई। अच्छा एक पोटा लंगा लंग, एक पोटा लंगा, एक पोटा लंगा, यहाँ पर बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। मैच के शुरुआती क्षणों में ही कॉर्नर अर्जित कर लिए हैं सी5सी के खिलाड़ी। देखते हैं क्या कर सकते हैं कॉर्नर के साथ। यहाँ पर लंबी किक कॉर्नर के लिए, वहां पर खिलाड़ी मशक्कत करते हुए सी5सी के पास गए। क्या कहते हैं वहां पर सात खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिए हैं, लेकिन वहां हेडर द्वारा क्लियर कर दिए हैं 9-11 के गोलकीपर के पास। गेंद को सेंटर लाइन की तरफ उछालते हैं, लेकिन वहां पर सी5सी के खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में नहीं कर पाए। यहां पर बड़े पास देना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ी वहां चूके सी5सी 9-11 के कब्जे में गेंद। 17 नंबर के खिलाड़ी अपने सात खिलाड़ी के लिए पास, छोटा पास, वहां पर बैक पास कर दिए हैं। गेंद को डीबॉक्स की तरफ उछालना चाहते थे, लेकिन वहां पर डिफेंस मुस्तैद, वहां पर बैक हिल द्वारा पास देना चाहते थे, लेकिन वहां पर कोई फायदा नहीं। और यहां पर गोलकीपर के दस्ताना में गेंद, यहां पर अपने साइड आउट के लिए गेंद बढ़ा दें। 21 नंबर के कब्जे में गेंद, सी5सी क्या करते हैं देखते हैं। अपने साथ खिलाड़ियों की तलाश में बहुत ही सुंदर छोटे छोटे पासों द्वारा बहुत ही सुंदर खेल का नजारा प्रस्तुत करते हुए, लेकिन वहां पर गलत पास, गेंद छीनी गई। यहां पर 9-11 के पास गेंद, सात खिलाड़ी के लिए पास बनाया, लेकिन वहां पर गलत पास, डिफेंडर के लिए बैक पास कर दिए हैं। गोलकीपर बहुत ही बढ़िया तरीके से पास बढ़ा दिए हैं, लेकिन वहां पर सी5सी के कब्जे में गेंद। फॉल की मांग करते हुए, लेकिन रेफरी द्वारा नकारा जाता हुआ। बीमल के पास गेंद, क्या करते हैं देखते हैं, लेकिन वहां पर गलत पास। 9-11 अपने सात खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिए हैं, एक खिलाड़ी को चकमा देते हुए 4 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर फिर से गलत पास। मध्य अंतर रेखा के आसपास गेंद, सी5सी के कब्जे में गेंद, ने साइड आउट के लिए बढ़ा दिए हैं। अपने कब्जे में गेंद को रखे हुए सी5सी की टीम, वापस समानांतर पास, बहुत ही बढ़िया पास है। किस नंबर के लिए, किस नंबर, क्या करते हैं देखते हैं। क्रॉस लगा दिए वहां पर, लेकिन डिफेंडर लंबे करके हेडर द्वारा बॉल क्लियर किए हैं, लेकिन खतरा भी टली नहीं है। टिकुल क्या करते हैं गेंद के साथ, देखते हैं बॉल को बढ़ा दिए, लेकिन वहां पर डिफेंस मुस्तैद। 7 नंबर खिलाड़ी 9-11 के 15 नंबर के पास गेंद के लिए मशक्कत करते हुए अपने डिफेंडर के लिए बैक पास किए हैं, लेकिन वापस गेंद आउटलाइन से बाहर। जयपाल थ्रोइंग लेने के लिए तैयार, कृष्णा के लिए, कृष्णा अपने सात खिलाड़ी के लिए बैक पास कर दिए हैं। सी5सी का जय में गेंद, छोटे छोटे समानांतर पासों द्वारा खेल को आगे बढ़ाते हुए 10 नंबर की जर्सी पर शिशिर सात खिलाड़ी की तलाश में, वहां पास करना चाहते थे, लेकिन डिफेंडर के पैरों से टकराती हुई गेंद ने सात खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया, वहां पर क्रॉस कर दिए हैं, देखते हैं, लेकिन डिफेंडर ने हेडर द्वारा किया। क्या अभी तक गेंद कतरा टली नहीं है वहां पर 10 नंबर की जर्सी पर, क्या कहते हैं शॉट किए हैं बहुत, लेकिन डिफेंडर उतने मुस्तैद हेडर द्वारा क्लियर कर दिए। यहां पर तेज गति से 9-11 के खिलाड़ी बढ़ते हुए 17 नंबर की जर्सी पर, वहां पर छोटा सा पास देते हुए 11 नंबर के लिए, लेकिन मौका कमाते हुए
दूरी से प्रयास करना चाहते थे, गेंद को गोल पोस्ट में डालना चाहते थे, लेकिन शॉट में उतनी ताकत नहीं। वहां पर कृष्णा के पास गेंद, क्या करते हैं देखते हैं, छोटा सा बैक पास करते हैं। यहाँ पर रेफरी द्वारा नया बॉल, थर्ड ऑफिशियल अब नया बॉल उधर से पास करते हैं। रेफरी द्वारा फॉल का इशारा यहाँ पर डी बॉक्स के आसपास। C5FC को फ्री किक का मौका, देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पर C5FC के खिलाड़ी फ्री किक के लिए रणनीति बनाते हुए किस तरह से इस मौके को बुनाकर अपने टीम को एक बढ़त दिलाई जाए। यहाँ पर जयपाल और शिशिर गेंद के साथ क्या करते हैं देखते हैं, अपने खिलाड़ियों को निर्देश देते हुए। बहुत ही बढ़िया मौका, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर रेफरी की सीटी के साथ फ्री किक, और यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से सीधे गोलकीपर के हाथों गोलकीपर शानदार बचाव, वहां पर गेंद को बढ़ा दिए हैं, लेकिन C5FC ने बैकपास द्वारा अपने डिफेंडर मुख्य डिफेंडर को दे दिया है। C5FC के कब्जे में गेंद, बहुत ही शानदार तरीके से खेल चलता हुआ यहाँ पर छोटे छोटे पास द्वारा खेल पूरी तरह से C5FC अपने कब्जे में करते थे। यहाँ पर कृष्णा के पास गए 14 नंबर की जर्सी पर। यहाँ पर मुख्य डिफेंडर के लिए गेंद बढ़ा दिया, डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया है। वहां पर 9-11 के डिफेंडर गेंद को क्लियर करते हुए सेंटर लाइन के आसपास गेंद क्या करते हैं 10 नंबर की जर्सी पर। डिफेंडर के लिए बैक पास करते हैं, साइड बैक के लिए पास करते हैं, वहां पर छोटा सा पास। इक्कीस नंबर की जर्सी पर C5FC के खिलाड़ी वहां पर पास देना चाहते थे, लेकिन वहां गलत पास। वहां पर बढ़िया मौका, 9-11 के पास मौका 17 नंबर की जर्सी पर। कट्टे कट्टे खिलाड़ी, C5FC की टीम जो काले काले रंग की जर्सी पर है, और 9-11 की टीम सफेद रंग की पोशाक पर। एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद आगे बढ़ते हुए C5FC की टीम विमल के लिए गेंद, लेकिन वहां पर रेफरी द्वारा फॉल का इशारा। यहाँ पर सीधे गोल पोस्ट की तरफ बढ़ा दिए हैं गेंद, लेकिन ऊपर डिफेंडर का लंबा क्लियरेंस, सेंटर लाइन के आसपास गेंद और रेफरी द्वारा मध्यांतर। 10 नंबर की जर्सी में बहुत तेज गति से खिलाड़ी क्या करते हैं देखते हैं, खिलाड़ी को चकमा देने की कोशिश, वहां पर बैक पास कर दिए हैं। 18 नंबर के लिए बढ़ाना चाहते थे, लेकिन 18 नंबर के पास गेंद, सात खिलाड़ी को तलाशते हुए एक खिलाड़ी को चकमा देते हुए एक खिलाड़ी को चकमा दिया है
सात खिलाड़ियों के लिए बढ़ा दिया, बहुत शानदार तरीके से, बढ़िया मौका हो सकता है यहाँ पर 9-11 के लिए। और यहाँ पर रेफरी द्वारा फॉल का इशारा, यहाँ पर 9-11 के लिए बढ़िया मौका हो सकता है। द्वितीय हाफ का खेल चलता हुआ, कुछ इस प्रकार का ही मौका C5C को भी मिला था, लेकिन गोलकीपर ने शानदार बचाव करते हैं उसे नकार दिया। और अब 9-11 के पास ही ऐसा फ्री किक का मौका, देखते हैं इस मौके को भुना कर अपनी टीम को बढ़त दिला पाते हैं या नहीं। और यहां पर खिलाड़ी फ्री किक लेने के लिए तैयार, 10 नंबर की जर्सी पर उछाल दी गेंद को, लेकिन गेंद गोल पोस्ट से बहुत बाहर। और गोल किक का मौका, यहाँ पर अपने बाएं छोर से आक्रमण बनाने की कोशिश क्या करते हैं, एक खिलाड़ी को चकमा दिया, दो खिलाड़ी को, लेकिन वहां पर डिफेंस घुसता है। 17 नंबर की जर्सी के पास गेंद 7 नंबर के लिए बढ़ा दें, लेकिन वहां पर गलत पास। 27 नंबर की जर्सी पर जयपाल के लिए गेंद, लेकिन डिफेंस गेंद छेदा, वहां पर क्रॉस कर दिए थे, लेकिन वहां खिलाड़ी तक गेंद पहुंच नहीं पाए। हेडर द्वारा बैक पास देना चाहते थे, लेकिन डिफेंस मुस्तैद वहां पर। 17 नंबर की जर्सी पर एक खिलाड़ी को चकमा दिए, बैक पास कर दिए अपने डिफेंस के लिए। 7 नंबर के पास गेंद, क्या कहते हैं डिफेंडर के लिए गेंद बढ़ाते हैं वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के पास वहां, लेकिन रेफरी द्वारा वहां पर हैंडबॉल का इशारा और खेल को बहुत ही जल्द शुरू कर दिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से। 14 नंबर के पास गेंद, क्या कहते हैं देखते हैं। 15 नंबर और गेंद आउटलाइन से बाहर, थ्रो इन का मौका C5FC के लिए। 14 नंबर के खिलाड़ी कृष्णा क्या करते हैं देखते हैं, साइड दे दिए जयपाल के लिए, खिलाड़ी को चकमा देना चाहते हैं, लेकिन वहां पर डिफेंडर मुस्तैद। 15 नंबर की जर्सी पर अपन 8 नंबर की जर्सी पर अपने साथ खिलाड़ी को वहां पर क्या करते हैं देखते हैं, डी बॉक्स में डालते हैं, इनको बढ़िया तरीके से बैकिंग करना चाहते थे, लेकिन वहां पर गोलकीपर मुस्तैद और डिफेंस भी मुस्तैद और गेंद खतरे से बाहर हुई, लेकिन खतरा भी टली नहीं है, गेंद C5FC के कब्जे में ही। 14 नंबर के पास गेंद, वहां पर समानांतर पासों का इस्तेमाल करते हुए C5FC की टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर डी बॉक्स का आसपास गेंद गेंद को उछाल दिया बहुत ही ऊंचे तरीके से, लेकिन गेंद बिमल के पास क्या करते हैं देखते हैं। 14 नंबर के लिए 8 नंबर की जर्सी के पास गेंद, गेंद को उछालते हैं वहां पर, लेकिन डिफेंस से बॉल क्लियर करते हुए 10 नंबर की जर्सी पर सुशिंग के नाम से जाने जाते हैं वहां पर शकमा देना चाहते थे, लेकिन वहां पर उतने ही मुस्तैद डिफेंस क्रॉस कर दिया डी बॉक्स के आसपास, हेडर करना चाहते थे, लेकिन वहां पर डी बॉक्स डिफेंडर क्लियर करते हुए खतरा टली नहीं है अभी तक। 14 नंबर के पास गेंद किक करना चाहते थे, सीधे पोस्ट में डालना चाहते थे, लेकिन गेंद बहुत ही बाहर। हमारे बॉल बॉयज जल्द से जल्द बॉल उपलब्ध कराएं, अब तक के खेल में दोनों ही टीमें सुने सुने की बराबरी पर। यहाँ पर 5 ओवर से सेट लाइन की तरफ उछल दें, लेकिन सीधे C5FC के पैरों में गेंद वहां पर गोल पोस्ट की तरफ किक करा, लेकिन गोलकीपर ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है, लंबी दूरी से सीधे गेंद को गोल पोस्ट में डालना चाहते थे, लेकिन शॉट में उतना ताकत नहीं। सेंटर लाइन की तरफ उछाल दिया गोलकीपर ने बढ़िया तरीके से, वहां पर C5FC के कब्जे में गेंद,
एक खिलाड़ी को चकमा दे, दो खिलाड़ी को चकमा दे, वहां पर अपने सात खिलाड़ी के लिए पास करते हैं। से बाहर विमल मंदा ना सर और यहाँ पर अपने साथ ग्लैंड गेंद बढ़ा दिए थे, 10 नंबर विकेट से लेकर गेंद नहीं पहुंच पाया और गेंद आउट लाइन से बाहर। थ्रोइन का मौका, 7 नंबर की जर्सी के पास 9-11 की टीम, समानांतर पास 17 नंबर के लिए, लेकिन वहां पर डिफेंस मुस्तैद, फिर से मौका बनते हुए 9-11 के लिए, वहां क्रॉस करना चाहते हैं लेकिन फिर से उस 9-11 के पास मौका है, क्या करते हैं देखते हैं खिलाड़ी, बढ़िया पास वहां पर क्रॉस कर दिए हैं लेकिन बहुत बाहर, सीधा आउट लाइन से बाहर और गोल किक का मौका C5C के लिए। वहां पर C5C के लिए खतरा बनता हुआ, 10 नंबर की जर्सी पर, क्या करते हैं देखते हैं लेकिन ऊपर डिफेंस मुस्तैद और रेफरी की लंबी सीटी के साथ खेल का समापन।